65 साल के दादा दादियों को चढ़ गया जवानी का बुखार, तो पति पत्नी ने बना डाली जादुई टाइम मशीन, जो बुढ़ापे में भी लोगों को बना रही है जवान। जो टाइम मशीन 65 साल के दादाजी को 25 साल का युवा बनाने का कर रही थी दावा, सामने आ गया उस मशीन का काला सच। महाठक पति पत्नी की खुल गई पोल, टाइम मशीन के नाम पर लगा दिया सैकड़ों लोगों को 35 करोड़ का चूना। जानिए क्या है इस टाइम मशीन का काला सच। जिंदगी की राहों में उम्मीद की किरण चमकेगी, हर दिल में जोश होगा, फिर से जवानी झलकेगी। यह मशहूर कहावत तो आपने सुनी ही होगी, वह तो मानो साहब थोड़ी खैर पड़ गई और इन दोनों पति पत्नी की पोल खुल गई। वरना क्या कोरिया, क्या जापान और क्या फ्रांस, बड़े से बड़े देश के थेरेपिस्ट जो कि ब्यूटी ट्रीटमेंट में महारत हासिल कर चुके हैं, वह भारत के रहने वाले इन पति पत्नी के पैरों में आकर लेट जाते। दोनों पति पत्नी के द्वारा बनाई गई यह मशीन अगर सचमुच में काम कर जाती तो इसरो और नासा के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी इन दोनों के आगे हाथ जोड़कर लाइन में खड़े मिलते। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक अपनी लैब में आविष्कार करने की जगह इस दंपत्ति जोड़े से सुबह शाम ट्यूशन लेने उनके घर पर जबरदस्ती पहुंच जाते। अगर राजा महाराजा जिंदा होते तो आज उनके लिए अपना सिंहासन भी छोड़ देते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि इस दंपत्ति जोड़े ने प्रकृति को मात देकर एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश की जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। इन दोनों के द्वारा बनाई गई यह टाइम मशीन तो फेल रही, लेकिन इसी के झांसे में लोगों को फंसाकर इन दोनों ने 35 करोड़ रुपए ठग लिए। आज तक सिर्फ हमने टाइम मशीन के बारे में सुना है, पढ़ा है और फिल्मों में देखा है, लेकिन आज तक कोई भी टाइम मशीन को बना नहीं पाया है। यह दोनों पति पत्नी टाइम मशीन को बना नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने ठगी की मशीन जरूर बना दी और तमाम लोगों को इस मशीन की भेंट चढ़ा दिया और उन लोगों ने लाखों रुपए गंवा दिए। अगर सचमुच में उनके द्वारा बनाई गई यह मशीन काम कर जाती तो देश से लेकर विदेश तक 50 से लेकर 60 साल के दादा दादी आज 25 साल की जवानी का मजा उठा रहे होते। कोई नहीं चाहता कि समय के साथ वह बूढ़ा हो और समय के साथ उसकी त्वचा सुकड़ जाए और उसका शरीर कमजोर हो जाए। हर कोई चाहता है कि जवानी की तरह उसकी त्वचा, शरीर और हमेशा जवान बना रहे, वो हमेशा ही सुंदर दिखे। इसके लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं और इसी का फायदा उठाकर कानपुर के रहने वाले राजीव दुबे और रश्मिका दुबे ने लोगों से 25 करोड़ रुपए की ठगी कर डाली। इस दंपत्ति ने बाजार से एक कबाड़ की मशीन खरीदी और उस कबाड़ की मशीन को मॉडिफाई करने के बाद उसे इजरायली मशीन बताया। बाद में खुलासा हुआ कि इस मशीन के द्वारा ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, लेकिन ये पति पत्नी यह दावा करते थे कि इस मशीन से 64 साल के बुजुर्ग को भी 25 साल का युवा बनाया जा सकता है और इसी वजह से लोग उनके झांसे में फंस गए और इस नकली मशीन के द्वारा इन दोनों ने सैकड़ों लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर डाला। खबर तो यहां तक के है कि दोनों पति पत्नी ने करीब 35 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है। हद तो तब हो गई जब इन दोनों ने अपना धंधा चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस्तेमाल किया और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री इजराइल में जाकर थेरेपी कराते हैं, लेकिन अब यह थेरेपी भारत के कानपुर में मौजूद है। आपको बता दें कि इस दंपत्ति ने जिस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाया और लोगों को फिर से जवानी का सपना दिखाया, असल में ऐसा कुछ नहीं होता, बस एक ये ठगी का तरीका है। जब लोगों को इस थेरेपी का कोई फायदा नहीं मिला तो उन्होंने इसका विरोध किया, तब कहीं जाकर दोनों पति पत्नी की पोल खुल गई और टाइम मशीन का सच लोगों के सामने आ गया। जिसे ये टाइम मशीन बता रहे थे, असल में वह कबाड़ से बनाई हुई एक मशीन थी और लोगों के बीच में यह भ्रम फैलाया जा रहा था कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए में इजराइल से एक ऑक्सीजन थेरेपी की मशीन खरीदी है। यह दंपत्ति जिम भी चलाते हैं। इस मामले में 20 से ज्यादा लोगों की शिकायत दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस ने इन ठगों का भंडाफोड़ कर दिया है। अब आप ऐसे ठगों के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे साथे ठगों को क्या सजा मिलनी चाहिए जो कि लोगों को झूठा सपना दिखाकर उनके पैसों को लूटने का काम करते हैं? अपनी निजी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर